A very warm welcome all of you. Again, there is a new lesson for you. And this is Bakshi here. I hope you must be fine. So let's get started without wasting your time. And today I'm going to talk about the past tense. आज हम बात करने वाले हैं आपसे past tense के बारे में. So before we start, let's read these following sentences. कुछ sentences हैं यहाँ पर, as you can see on your screen. तो आइए पढ़ते हैं इनको. I must बाकी की डिटेल में तो मैं बाद में बता ही दूंगा. चलो पहले हम लोग ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं. इट रेन्ड, इट वॉज रेनिंग, इट हैड रेन व्हेन आई रिटर्न्ड होम, इट हैड बीन रेनिंग फॉर मोर देन 3 आवर्स व्हेन ही फाइनली अराइव्ड. दोस्तों देखो, आपने देखा यहां पर एक ही मेन वर्ब है, वह है रेन. अब इस रेन को हमने पास्ट टाइम में यूज किया है. पहले सेंटेंस में हमने रेन को रेंड किया, जो कि सिंपल पास्ट का रूल होता है. यानी कि सबसे पहले उसमें आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आती है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म. दूसरा रूल, दूसरा सेंटेंस में हमने देखा वॉज रेनिंग, वर्ब कौन सी है, रेन, और आईएनजी लग गया रेनिंग. वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, काम जारी की बात हो रही है, जो कि गोइंग ऑन एक्शन है पास्ट में. ओके, थर्ड सेंटेंस में देखा हमने हैड के साथ रेंड आया, जो कि परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, पास्ट परफेक्ट की. ओके, कंप्लीट हो चुका है पास्ट में. उसके बाद हमने देखा फोर्थ सेंटेंस में हैड बीन रेनिंग, फिर से एनजी लग गया हैड बीन के साथ. ये कब की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की. यानी कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट तक चल रहा था अनटिल अनदर टाइम इन द पास्ट. सो इन दिस केस, इस तरह के केस में वी यूज ड्यूरेशन. जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की, यानी कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो वहाँ पर हम लोग ड्यूरेशन यूज़ करते हैं. जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 3 आवर्स, सिंस मॉर्निंग, सिंस दिवाली, सिंस होली. इसके बारे में हम सेंटेंस में पढ़ेंगे डिटेल में. चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेशन सीखते हैं. पास्ट सेंटेंस, जो पास्ट टेंस होता है हमारा, इसके भी 4 स्टेट्स होती हैं. जैसे आपको पता है कौन कौन सी, सिंपल, जिसे आप लोग सिंपल पास्ट बोलते हैं, इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं. पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी जो काम पास्ट में जारी था, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. हियर वी विल स्टडी सिंपल पास्ट टेंस, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट में होते हैं. अब देखिए यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है जो मैं आपसे पूछ सकता हूँ. फॉर द टीचर, द टीचर कैन बिगिन द चैप्टर बाय आस्किंग स्टूडेंट्स व्हाट दे डिड. तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप लोगों ने कल क्या किया. जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ लास्ट टाइम हमने क्या सीखा, तो आप देखेंगे, बोलेंगे सर वी लर्नड, पास्ट की बात हो जाएगी. लर्न, इस वक्त क्या कर रहे हो, आप कहेंगे सर मैं, हम सीख रहे हैं इंग्लिश, वी आर लर्निंग, काम जारी है. इस वक्त की बात, अगर मैं कहूँ कल इस वक्त आप क्या कर रहे थे, तो आप बोलेंगे वी वर लर्निंग, काम जारी था. ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कभी की भी बात कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस की फॉर्म्स बदल जाएंगे, मेन वर्ब वही रहेगी. ये तो ऐसे ही आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है. आइए इसका रूल समझते हैं. दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं. जैसे सेंटेंस पढ़ते हैं वी अराइव्ड यस्टरडे, वी डिड नॉट अराइव यस्टरडे, डिड वी अराइव यस्टरडे. इसमें एक सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, जिसको हम एफर्मेटिव बोलते हैं, एक नेगेटिव है और एक इंटरोगेटिव है. आइए समझते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, हाउ टू फॉर्मेट द सेंटेंसेस, किस तरह से हम लोग इसका, हाउ टू मेक द फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव एफर्मेटिव, द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव.
सो हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस. सो हियर वी गो. देखिए जब हम बात करते हैं पॉजिटिव या एफर्मेटिव की, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन होगा? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, दे, कोई भी हो सकता है. राम, रहीम, मुकेश, कोई भी, अंकल, आंटी, मम्मी, पापा, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है. यहाँ पर जो सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है इसमें आपको याद करने वाली चीज़ ये है कि इसमें सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म ही आएगी. कोई हैज हैव का चक्कर नहीं है, इज एम आर का चक्कर नहीं है, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद आते हैं आपके अदर वर्ड्स. तो पहले एग्जांपल पढ़ते हैं. चलिए, आई प्लग्ड अ फ्लावर, यू प्लग्ड अ फ्लावर, वी प्लग्ड अ फ्लावर, ही प्लग्ड अ फ्लावर, दे प्लग्ड अ फ्लावर, शी प्लग्ड अ फ्लावर, इट प्लग्ड अ फ्लावर. अगर नेगेटिव बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, आइए इसको समझते हैं. जब हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा आपने देखा ऊपर जो थी वर्ब की सेकंड फॉर्म थी यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव की हम बात कर रहे थे. लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत लेनी होती है, जो कि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और नॉट तो आएगा ही आएगा क्योंकि नेगेटिव बनाना है. लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फिर. क्यों फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी? क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है. फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन. अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, डिड के साथ हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे आप सवाल कर रहे हों. जब आप सवाल करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, डिड सभी के साथ डिड आएगा और वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. तो आइए पहले इस वाले सेंटेंस में चलते हैं. सब नेगेटिव में, आई डिड नॉट प्लक अ फ्लावर, यू डिड नॉट प्लक अ फ्लावर, दे डिड नॉट प्लक अ फ्लावर, ही डिड नॉट प्लक अ फ्लावर, शी डिड नॉट प्लक अ फ्लावर, इट डिड नॉट प्लक अ फ्लावर. सवाल पूछेंगे, भाई तुमने फूल तोड़ा था क्या? अच्छा, इसमें जो फॉर्म, जो सेंस आती है वो किस प्रकार की आती है? किया था, जब हम, या नहीं किया था, था थी थे, पास्ट की बात हो रही है, यानी कि किया था, कर लिया था, समथिंग लाइक दैट. और सवाल पूछते हैं तो तुमने कर लिया था क्या, गए थे क्या, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो आइए नेगेटिव हो गया हमारा, पॉजिटिव देखते हैं. रूल वही जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, जब आप सवाल बनाते हैं तो जाहिर सी बात है जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है. तो इस वक्त जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे सिंपल पास्ट की, वो होती है डिड, अकेली फॉर्म होती है, हैज हैव नहीं होता इसमें, डिड. उसके बाद आते हैं आपके सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, डिड आई, डिड यू, डिड वी, डिड दे, डिड ही, डिड शी, डिड इट, और फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. चूँकि सवाल कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है अदर वर्ड्स के बाद. अंडरस्टैंड डियर? सो हियर वी गो. Did I pluck the flower? Did you pluck a flower? Did we pluck a flower? Did he pluck a flower? Did she pluck a flower? Did it pluck a flower? So ये था हमारा interrogative rule, कैसे बनते हैं sentences. आइए दोस्तों समझते हैं कि ये जो simple past होता है, tense जो होता है, ये कहाँ use किया जाता है. ये use किया जाता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट. कोई भी एक्शन, यानी कोई भी घटना या कोई भी काम पास्ट में हुआ, कितना पास्ट में, बस जो गुजर गया वो पास्ट है. आप बात कर सकते हैं एक घंटे पहले की, एक दिन पहले की, एक हफ्ता पहले की, एक महीने पहले की, एक साल पहले की, यानी जो भी लास्ट है, लास्ट यानी कि लास्ट यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट बर्थ, पिछले जन्म, कभी की भी बात करेंगे वो सब पास्ट है. चाहे कितनी पुरानी बात क्यों ना हो, वो सब पास्ट है. जैसे मनीष स्टडीड एट नाइट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. मनीष ने ड्यूरिंग यानी एग्जाम्स के दौरान पढ़ाई की, रात में पढ़ाई की. मिसेस शुक्ला सोल्ड हिज हाउस लास्ट मंथ. मिसेस शुक्ला ने, सॉरी मिस्टर शुक्ला है, तो मिस्टर शुक्ला ने अपना घर लास्ट महीने ही बेच दिया. तो कब यूज होता है? किसी पास्ट के एक्शन के लिए. ओके, दूसरा जो सिंपल पास्ट होता है, जो डिस्क्राइब करता है किसी हैबिट को,
डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में हैबिट थी। इसमें क्या होता है दोस्तों, कई बार इसमें ज़्यादातर यूज टू का यूज़ होता है जब हैबिट की बात होती है। तो आई यूज टू ईट पिज्ज़ा बर्गर एंड पास्ता, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू ट्रैवल बाय ऑटो, आई यूज टू ट्रैवल बाय ट्रेन, आई यूज टू ट्रैवल बाय, कोई भी आपके अंदर पास्ट की हैबिट थी वहाँ पर यूज टू का सेंस होता है। कई बार ऐसे भी सेंटेंस बन जाते हैं, एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग माई ग्रेनी नैरेटेड मी ए स्टोरी, हर रात सोने से पहले मेरी नानी मुझे स्टोरी सुनाती थी। यहाँ पर देखिए हैबिट की बात हो रही है, हर रात की बात हो रही है, इसको आप ऐसे भी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस सेंटेंस को आप ऐसे बोल सकते हैं, एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग माई ग्रैनी यूज टू नरेट, फिर फॉर्म आएगी फर्स्ट माई, क्योंकि यूज टू लग जाएगा, माई ग्रैनी यूज टू नरेट मी ए स्टोरी। ओके डियर, सो ये दो तरीके से यूज होता है। ओके नाउ, ओके नाउ आपके लिए एक्सरसाइज है, कॉन्ग्रेचुलेशन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस और आपको अंडरलाइन करनी है वर्ब्स को जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, उनको आपको अंडरलाइन करना है, और क्या करना है उस सेंटेंस को आपको दोबारा लिखना है सिंपल पास्ट में। जैसे आपने यहाँ एग्जांपल एक ऑलरेडी दिया हुआ है, द पुलिसमैन कैचेस द थीफ, ये कौन सा वाक्य है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका पास्ट कैसे बनेगा, द पुलिसमैन कॉट द थीफ, ये पास्ट का वाक्य है, पास्ट का सेंटेंस है। तो आइए बनाते हैं सेंटेंस, चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपको अंडरलाइन करना है। चलिए, अभय फिनिशेज हिज वर्क, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, ठीक है। अगर हम इसका पास्ट बनाएंगे तो बनेगा अभय फिनिश्ड, फिनिश्ड यानी जो ये फिनिश है इसमें ईडी लग जाएगा जब हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा अभय फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, आर फैमिली प्लान्स अ ट्रिप टू मनाली, हमारी फैमिली जो है वो प्लान करती है। तो यहाँ कब की बात हो रही है, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, सेंटेंस है। अगर हम इसको पास्ट में बनाएंगे तो बहुत इजी है, इसमें फिर से प्लान्ड हो जाएगा, प्लान्ड। ओके, आर फैमिली प्लान्ड अ ट्रिप टू मनाली, ही लिव्स हियर, वो यहाँ रहता है। ये कौन सा सेंटेंस है, जो वर्ब है ये प्रेजेंट की है, सिंपल प्रेजेंट की, इसमें हम क्या करेंगे पास्ट बनाएंगे तो इसमें डी लग जाएगा एस हट के, तो बनेगा ही लिव्ड हियर, ही लिव्ड हियर। आई गेट अप एट 6 o'clock, आई गेट अप, गेट सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, पास्ट बनाएंगे तो पास्ट का बनेगा आई गॉट अप, इजी है, तो बोल दीजिए आई गॉट अप एट 6 o'clock। किंग हरीश चंद्र नेवर टेल्स अ लाई, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, पास्ट की बात करेंगे तो टेल का हो जाएगा टोड, टेल का हो जाएगा क्या, टोड। किंग हरीश चंद्र नेवर टोल्ड अ लाई, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, द टीचर पनिशेज द बॉय, टीचर जो है वो बॉय को पनिश करता है, ये है सिंपल प्रेजेंट का आपका सेंटेंस। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो इसमें से हम लोग एस को हटा देंगे और डी लगा देंगे, तो सेंटेंस बनेगा द टीचर पनिश्ड द बॉय, पनिश्ड, अंडरस्टैंड। दे नो अबाउट द बर्गलरी, मेन वर्ब क्या है यहाँ, नो, कौन सी वर्ब है ये सिंपल प्रेजेंट की वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हम क्या करें, इसमें से हम लोग ओ हटा देंगे और इसमें लगा देंगे हम ई, तो बन जाएगा नो का हो जाता है आपका न्यू, सेंटेंस बनेगा दे न्यू अबाउट द बल्गरी, बल्गरी बोलते हैं डकैती को। ही कुक्स डिलीशियस पंजाबी कुसिन्स, कुक्स प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसमें क्या करेंगे हम लोग एस हटा देंगे और ई डी लगा देंगे, बन जाएगा ही कुक डिलीशियस पंजाबी कुसिन्स, कोई किसी फूड का नाम है। ओके, हु टीचेज यू साइंस, तुम्हें साइंस किसने, कौन पढ़ाता है, प्रेजेंट का सेंटेंस है,
तो हम इसको पास्ट में करेंगे तो टीच की सेंटेंस जो जो वर्ब होती है वो होती है टॉट, टॉट, टी ए यू जी एच टी, टॉट। हु टॉट यू साइंस? अमिता सिंग्स अ लवली सॉन्ग। फिर से सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, अंडरलाइन कर दिया हमने इस वर्ब को, और पास्ट में बोलेंगे सिंग की सेकेंड फॉर्म होती है सैंग। सो अमिता सिंग्स अ लवली सॉन्ग, पास्ट में बनाएंगे तो बनेगा सिंग का हो जाएगा यहाँ सैंग। अमिता सैंग अ लवली सॉन्ग, ये पास्ट की बात हो गई। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स समझ में आ चुका होगा आपके। If you think this video is useful for you, kindly like करें, share करें and subscribe करें। मिलता हूँ आपसे अगले lesson में, तब तक के लिए bye bye, have a nice day।